ऑफ नॉनसेंस, जुए में मैं अपनी जान दांव पे लगाऊं? दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास और है ही क्या? और फिर जुआ तो जुआ होता है दोस्त, और दांव मारोगे तो पैसे भी तो मिलेंगे। शाबाश। अब बोलो कौन सा खेल खेलोगे, शराब का खेल या पिस्तौल वाला खेल? चुन सकते हो सिर्फ मौत अपनी, अब तुमको चुनना है, दारू में जहर वाला खेल या पिस्तौल वाला खेल? दारू में जहर वाला खेल, उसमें मौत धीरे धीरे आती है और दर्द बहुत होता है। पिस्तौल वाले खेल में मौत एकदम से आती है और दर्द बहुत। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं ही मरने वाला हूं, तुम भी तो मर सकते हो। तुम्हारी बात सही है, पर इस गेम में मैं आज तक हारा नहीं हूं। तो बोलो, पिस्तौल की गोली या जहर वाली दारू की गोली? तो ठीक, मैं पिस्तौल में गोली डालता हूं। शुरू करो। गोली किस चेंबर में है मालूम नहीं, फायर करो। बच गए ये 25,000 तुम्हारे। बच गया, मैं बच गया। अब तुम लो, कहता था कोई नहीं जीत सकता, मैं जीत गया। मैं कभी हारा नहीं। बच गया। अब इसमें मैं दूसरी गोली भरता हूं। अब चला गोली और कमा पैसे। इस बार दो चेंबर्स में गोलियां हैं। गोली चला और 50,000 जीत। तुम्हारा बच गया 50,000। बच गया। अब मैं इसमें तीसरी गोली लोड करता हूं। तीन गोलियां मारी हैं, कहां है किसी को?
वायर करो, दांव पर है 1,00,000। फायर करो, 1,00,000, 1.5 लाख। फायर करो, 2,00,000। ये खेल खत्म हुआ। चलो जीवन, किसी दूसरे शहर चलते हैं, किसी बड़े जुआरी की खोज में। मेरी समझ में नहीं आता ये सब वहशीपन, ये सब कैसे करते हैं आप? दिन रात एक ही पागलपन, मौत का खेल, मौत का जुआ, मौत का धराओ। क्या मैंने जबरदस्ती उसकी जान ली है? क्या मैंने उसके सर पर रिवॉल्वर रखा था? नहीं ना। फिर मैंने उसको कैसे मारा? उसको मारा है उसके पैसों की लालच ने। उसकी लालच ने उसकी जान ली है जीवन। मगर ये पैसों का लालच इसे दिया किसने? तुमने, तुमने। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊं मैं। तो तुम जाते क्यों नहीं? पर तुम नहीं जाओगे जीवन, क्योंकि इस खेल को देखने में तुमको भी मजा आता है, तुम्हारी तबीयत भी दर हो जाती है। हम सबके अंदर एक राक्षस छुपा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। यूएसए से हार्ट वॉल्व भेज दिया गया है, कोई मिस्टर वाटर्स लेकर आ रहे हैं इंडियन एयरलाइंस की दोपहर की 4 बजे की फ्लाइट से। 4 बजने में अभी 6 घंटे बाकी हैं, तब तक हम पैसे जमा करते हैं, फिर आप मिस्टर वाटर्स को पैसे देकर वॉल्व की डिलीवरी ले लीजिएगा, और डिलीवरी लेते ही फौरन यहाँ पर आ जाइएगा ताकि शाम तक ऑपरेशन हो जाए। कितने पैसों की बात हुई है? 7,500,000 की। 7,500,000? लेकिन डॉक्टर, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आपने कुछ इंतजाम किया है क्या? हाँ, ये एक ड्राफ्ट है 4,00,000 रुपए का, सरिता चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से। हमें ये ड्राफ्ट फॉरेन कैश कराना चाहिए। लेकिन बाकी के 3,50,000? अब वो हमने एक न्यूज़पेपर में अपील की थी ना। हाँ, हो सकता है वहां से कुछ रुपए जमा हो जाए। एक काम करते, उस न्यूज़पेपर के एडिटर को फोन करके देखते हैं। बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है मैडम। अमाउंट कितना है? अमाउंट आप किसी को कलेक्ट करने के लिए भेज दीजिए, तब तक मैं टोटल चेक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। एडिटर कह रहे हैं कि हमारी अपील का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। ऐसा करती हूँ, पीएन को भेजकर रुपए कलेक्ट कर लूंगी। नहीं नहीं, क्यों कहेगा, मैं खुद जाता हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ। क्या डॉक्टर, तरुण को दिन रात तड़पता हुआ देखकर मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा बाहर हुआ हूँ, और वैसे भी तरुण सो ही रहा है ना। आप फिक्र मत कीजिए, हार्ट वॉल्व लगते ही तरुण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हार्ट वॉल्व का लगना इतना ही जरूरी है तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगा। देखिए, फ्लाइट 4 बजे आ जाएगी, आप प्लीज जल्द से जल्द आ जाइएगा। यस डॉक्टर। ये 50,000 के चेक्स हैं और ये 14,000 रुपया कैश, यानी कुल मिलाकर 64,000 रुपए। सर, 64,000? अरे आओ भाया आओ, सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अरे लोगों देखो कौन आया है। अरे मनोहर जी, ये साल डेढ़ साल में यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो बस ऐसे ही। और ये हाथ में क्या पैसे लाए हो? अपनी चीजें वापस लेनी है क्या? अरे बहुत अच्छे मौके पर आए हो मनोहर जी, नहीं तो 10-15 दिन में मैं तुम्हारा सारा सामान बेचने वाला था। नहीं, वो बात ऐसी है कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या क्या रखा है, याद भी तो नहीं आ रहा है। हाँ,
मनोहर 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 मनोहर, हाँ ये रहा, एक टीवी, एक फ्रिज, मोटरसाइकिल, एक मंगलसूत्र, कुल मिलाकर 36,000 रुपए लिए हैं तुमने, और उसमें 2 साल का 49,000 रुपए ब्याज बनता है, वो भी तो नहीं दिया तुमने, कुल मिलाकर 85,000 रुपए। इतना पैसा लाए हो तो लाओ। नहीं नहीं, ये तो मेरे बेटे के लिए है। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? ऐसा है सम्राट जी, मुझे और थोड़े पैसों की जरूरत है। तो गिरवी रखने के लिए कुछ है तेरे पास? गहने हैं क्या? नहीं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ था वो सब तो आप ही के पास है, अब सिर्फ मैं बचा। तुम्हारी क्या कीमत है? अरे तुझे कौन खरीदेगा? देखिए, मुझे 3 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, अब वो भी 5 घंटे के अंदर अंदर। आज शाम मेरे बेटे का ऑपरेशन है और मेरे पास सिर्फ 14,000 है। मतलब बाकी के 2,86,000 मैं तुझे दूं क्या? देखिए, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे पैसे दूं? मैं तुझे पैसे वैसे नहीं देने वाला, जा किसी अमीर आदमी के आगे भीख मांग। मुझे सिर्फ आप ही से उम्मीद है। एक तरीका है। क्या? तेरे पास 14,000 रुपए है ना? हाँ है तो, लेकिन तो जा वहीं जा जिसकी वजह से तेरी बर्बादी हुई है, और वहीं जा जिसकी वजह से ये सारा सामान यहाँ पर गिरवी पड़ा है। मैं वहां नहीं जा सकता, मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। देख, एक वही जगह ऐसी है जहाँ 1 घंटे में 14,000 के 3 लाख रुपए बन सकते हैं, वरना 14,000 में तेरे बेटे का अच्छे से अच्छा जनाजा निकलेगा। मनोहर, मनोहर तू यहां कैसे? कहीं भार्गव गया था? कितने दिनों के बाद तुझे देखा, कैसा है रे तू? अरे मनोहर, अरे यार आज इधर कैसे रास्ता भूल गया? 3 साल हो गए तुझे देखे हुए। हाँ यार, जुआ खेलना छोड़ दिया था, किस्मत ने साथ ही छोड़ दिया। अरे छोड़ यार, तू भले ही जुआ खेलना छोड़ दे पर जुआ तुझे नहीं छोड़ेगा। भैया ये तो नशा है, सबसे ऊंचा नशा। आ जा, हो जाए। ए आई नो, देख लो, तुम लोग मनोहर को जगा दो। चल उठ जा, आ जा बैठ। अच्छा मनोहर एक बात बता, अंदर की माल तो लाया है ना? शाबाश, बोल क्या खेलेगा, रमी या फ्लश? नहीं, आज टाइम बहुत कम है, 14,000 के 3 लाख बनाने, रमी फ्लश नहीं चलेगा। बहुत हाथ गर्म हो रहा है हा? बोल क्या खेलेगा? टॉप कार्ड, एक एक पत्ता बांटना है, जिसका पत्ता सबसे भारी वो बाजी जीता। अच्छा बोल क्या बाजी लगाएगा? क्या बाजी लगाऊं? आज तो मैं अपने बेटे के जान की बाजी लगा रहा, लेकिन तुम नहीं समझो। ये ले पहली चाल 1,000 की, आज तो मुझे जीतना है, आज जीत के ही जाऊंगा, आज तो मैं हार ही नहीं सकता। हट। तरुण, तरुण। यस डॉक्टर, आई एम संदेश, मनोहर का कजिन, अभी भी पुणे से आया हूँ। कहाँ है सब लोग? तरुण तो यहाँ पर सो रहा है, और मनोहर जी उनका तो कोई पता ही नहीं है। कुछ पता नहीं मतलब, आखिर हुआ क्या? एक्चुअली वो न्यूज़पेपर के ऑफिस गए थे डोनेशन की अपील का पैसा लेने, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, करीब 3.5 लाख रुपए कम पड़ गए। उसके बाद वो कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप देखिए ना, फ्लाइट आने में सिर्फ 2.5 घंटा बाकी रह गया है, मनोहर जी को भी आ जाना चाहिए। डॉक्टर एक बात बताइए, क्या उनके हाथ में कुछ रकम कैश थी? हाँ, करीब 14,000 रुपए। आपको उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे? तो भगवान ही मालिक है। क्यों,
क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली उन्हें जुआ खेलने की बुरी लत थी। मनोहर रहने दे यार, ये तो बर्बाद हो जाएगा। अरे पैसे फेंकने से पहले तेरे पत्ते तो देख ले। यशवंत, पत्ता देखने से बदल तो नहीं जाएगा, जो नसीब में लिखा है वही निकलेगा। मैंने अपना सारा का सारा दांव पे लगा दिया है। चलो पैसा डालो। अभी भी शो नहीं? यार अपन का पैसा तो खलास हो गया, गाड़ी चलेगा? नहीं उधार नहीं, नगद चाहिए था, कैश। अरे यार कोई अपन को उधार दो ना जरा। अरे अरे साला कोई नहीं उधार देगा, क्या अपन पे एतबार नहीं है? ए सुधीर ला तू देना। अरे देना यार, अभी देता हूं ना तेरे को, ला ले यार। अरे छोड़ यार, चल ये ले अपन का ये आखिरी है, पत्ता खोल। मैं तो उड़ गया। दुग्गी सबसे छोटा पत्ता, तुम हार गए पेशावर भाई। हाँ अपना पत्ता खोलो। हाँ खोलो, लेकिन मैं जीत गया। हो गया ना तेरा चोच बंद। चल अभी दूसरा पत्ता उठा, उठा उठा। इक्का। देखा मैं तेरे को बोला था ना कि तू हारेगा। हाँ अभी घर जा और देख, एक बात बोलूं तेरे को, तेरा लक खराब चल रहा है, तू हारता आया है और हारता ही रहेगा। जा अभी जा। नहीं मैं घर नहीं जा सकता, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है पेशावर भाई, उसकी हालत बहुत खराब है, वो आखिरी सांसें गिन रहा है, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। तो अपन के साथ काहे को खेलने को आया था? हाँ ये सोच करके अपन से पैसा बना लेगा? एक बात बोलूं तेरे को, अपन को जुए में हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, समझा? ठीक है गलती हो गई पेशावर भाई, मैं मानता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जुआरी हो, लेकिन मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, चाहे उधार दे दो। पैसा चाहिए तो ऐसे ही ले ले। हाँ तुम्हें क्या याद करेगा कि किस रईस से पाला पड़ा है? देख अपन भिखारी को इससे ज्यादा भीख नहीं देता। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते पेशावर भाई, आप मुझ पर रहम कीजिए, मुझे चाहे तो उधार दे दीजिए पैसा। पैसा चाहिए तो जा कहीं से लेके आ, तब अपुन के साथ बैठ के खेल। लेकिन तू फिर हार जाएगा क्योंकि अपुन यहाँ का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, समझा? अरे खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं आप, पर आपसे भी बढ़कर एक खिलाड़ी है ये नाची। तू है कौन बे? मैं जो भी हूँ आपसे बड़ा जुआरी। आप आजमाना चाहते हैं तो दांव लगा कर देख लीजिए। बहुत डायलॉग मार रहा है, माल लाया है कि नहीं? कितना पैसा चाहिए? उस टेबल का 5,000, बाजू वाली का 10,000 और इसका 25,000 है। फिलहाल इतना काफी होगा शायद। और भी इतना चाहिए? नहीं नहीं सर, हमारा क्लब इतना बड़ा नहीं है, हम इतना बड़ा दाम नहीं लगा सकते। अगर आपको चाहिए तो मैं किसी और क्लब का एड्रेस आपको दे सकता हूँ। हाँ अपन आपके साथ इतना बड़ा दाम नहीं लगा सकता,
अपन के पास इतना पैसा है नहीं बॉस। तो और कुछ होगा आपके पास? कुछ और? और अपन के पास क्या है? एक कीमती चीज। वो क्या? आपकी जिंदगी, आपकी जान। अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं आप? जरा सोचिए, जीत गए तो ये सारा पैसा आपका, आपका। नहीं, अपन की जान से खेलना चाहता है? क्यों नहीं? अभी तक आप उस आदमी के बेटे की जान से खेल रहे थे, अब अपनी जान दांव पर लगा कर देखिए। भाई साहब, ऊंचा खिलाड़ी ऊंचा दांव लगाता है, पर लगता है शायद आप उतने ऊंचे खिलाड़ी नहीं जितना दिखाना चाहिए। आज तक अपुन से कोई नहीं जीता है, समझा? बैठना चाहता है? आओ बैठ, बैठ, आ जा। नहीं, हम ताश के पत्तों से नहीं खेलते। तो फिर अरे देख क्या रहे हैं, हम अपनी शराब साथ लाते हैं। अरे भाई, जब मरना ही है तो अच्छी शराब पी कर क्यों ना मरा जाए। जुन साहब, अब एक ग्लास में जहर का पाउडर डालिए। क्या कर रहे हैं? सलत, ये कौन सा खेल है साला? ये ऊंचे खिलाड़ियों का खेल है। इस टेबल पर 10 ग्लास है, सब में शराब भरी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, एक ग्लास में जहर मिला हुआ है। कौन सा ग्लास, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं किस ग्लास में जहर भरा पड़ा है। पहला ग्लास आप पियेंगे, फिर मैं पीऊंगा, फिर आप पियेंगे, फिर मैं पीऊंगा। ये चाल हम चलते जाएंगे जब तक कि हम एक वो जहर वाला ग्लास मत पी जाए और अपनी जान दे दे। हर ग्लास पीने पर आपको 25,000 रुपए मिलेंगे नकद, और हर चाल चलते हुए मैं मर गया तो मेरा सब कुछ आपका। सब कुछ? सब कुछ, मेरी पूरी जायदाद भी। मैं जिंदगी में अकेला हूं और अपने मौत का जश्न मनाना चाहता हूं। जीवन साहब मेरे वकील हैं और अजीज दोस्त, सारे पेपर्स तैयार हैं। कहिए, आप खेलेंगे? तू सचमुच पागल है भाई। हाँ, सचमुच पागल है। अरे, एक ग्लास पर 25,000 रुपया? मैं पागल नहीं, सबसे बड़ा जुआरी हूँ। अरे सबसे बड़ा जुआरी है तो फिर अपना जिंदगी दांव पे क्यों लगा रहा है? सब कुछ तो है तेरे पास। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। मैं हर किस्म की मसी लगा चुका हूँ, पत्तों पर, घोड़ों पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, सट्टे पर किसी में मजा नहीं आता। आजकल मैं सिर्फ मौत के पास लगाता हूँ। ए भाई माफ कर, तू सचमुच पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, नशे में हूँ, जुए के नशे में। बोलो, खेलना चाहते हो? ठीक है, चल खेलते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। तो खेल शुरू होने के पहले इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? एक छोटा सा ऐलान है कि आप सब कुछ समझते हुए पूरे होशो हवास में अपनी जान दे रहे हैं। क्या? अरे भाई, कहीं आप हार गए यानी मर गए तो कानून को कुछ तो जवाब देना होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस टेबल पर से एक ही आदमी चल कर जाएगा, दूसरे को उठा कर ले जाया जाएगा। तो अगर खेलना है तो कागज पर दस्तखत कर दीजिए। बहुत खूब, तो खेल शुरू करें। ग्लास 10 हैं और जीतने के चांस 9 और हारने का 1।
9 ग्लासेस में शराब भरी है और एक में जहर, मजा आएगा। जहर तेरे आदमी ने ग्लास में मिलाया है, तुझे पता होगा कि जहर किस ग्लास में है। अरे सब ग्लास एक जैसे हैं, तो शुरू तो कीजिए। एक ग्लास पीने पर 25,000 रुपए मिलेंगे। तक तो कुछ नहीं हुआ। जहर कितनी देर में मारता है? अगर जहर पिया होता तो पता चल जाता। कुछ ही सेकंड में चक्कर आने लगते, गला सूखने लगता, दिल धड़कने लगता और सांसें रुक जाती और कुछ ही मिनटों में किस्सा खत्म। यकीन मानिए, मैंने ऐसा कई बार देखा है। ए, अभी बातें बंद कर, तेरा बार ये गिलास उठा। अरे हुजूर, पहले अपने 25,000 तो लीजिए। और कौन सा गिलास उठाऊं? ये 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 ये। ए, बहुत मस्ती कर रहे हैं ना, तेरे को मालूम है किस गिलास में जहर है। तो ठीक है, फिर अपने हाथ से उठाकर गिलास दे दीजिए। वाह, शराब हो तो ऐसी। अब आपकी बारी है जनाब, 8 ग्लास बचे हैं, 7 में शराब है और 1 में मौत। जाएंगे बेटा। मनोहर जी मिले? नहीं, कुछ पता नहीं चला। तकरीबन 20 से 30 जुए के अड्डे और बार छान चुका हूं, कोई फायदा नहीं। तो अचानक ख्याल आया कि एक बार यहाँ आ गए हूं, नीचे जाकर देख लूं शायद। माय गॉड, 3 बज चुके हैं, 4 बजे फ्लाइट आने वाली है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे ना तो हमें हार्ट वॉल्व नहीं मिलेगा। अपने को 25,000 काफी है, और पैसा नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। बस एक ही ग्लास में मार खा गए, बहुत ही छोटे खिलाड़ी निकले दोस्त। हाँ, बहुत ही छोटे। हाँ ठीक है, अपुन मानता है ना, अभी तो पीछा छोड़ो। सर मेरे ख्याल से आप यहाँ से चले जाए तो बहुत अच्छा है। आप सचमुच पागल है और खूनी भी, अब जाइए यहाँ से। यहाँ से चला जाऊं तो अच्छा है, ठीक है। चलो जी, लेकिन ये ग्लासेस हटवा दो, चाहो तो इन्हें फोड़वा दो, नहीं तो कोई पी लेगा गलती से। सोचा था यहाँ कोई टक्कर का जुआरी मिलेगा, लेकिन सब बच्चे निकले। अरे कोई नहीं है, क्या जो मेरे साथ खेलेगा 25,000 रुपए दूंगा। प्लीज आप यहाँ से जाइए, वरना। क्या कोई नहीं है जो मौत की बाजी लगाएगा? बेशुमार दौलत मिलेगी। अरे कोई बेशुमार दौलत नहीं जीता जाता क्या? देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, 10 तक दूंगा। हेलो मनोहर जी, मनोहर जी कहाँ है आप? वो बाद में बताऊंगा। ए तरुण ठीक है? हाँ, लेकिन वॉल्व नहीं मिला तो तरुण कब तक ठीक रहेगा? पैसे मिले ना आपको? मिल जाएगा। जल्दी कीजिए, 3 बज रहे हैं, 4 बजे फ्लाइट आने वाली है। कितना पैसा मिल रहा है? बात तो पूरे 6
पूरे 3 लाख? पर कहाँ से? वो सब बाद में बताऊंगा। 7, लेकिन मैं आ रहा हूँ पक्का, 3 लाख रुपए। 9, 10। मैं खेलूंगा आपके साथ। आप खेलेंगे? मैं खेलूंगा आपके साथ, लेकिन पैसा बढ़ाना पड़ेगा। मनोहर, पागल हो गया है तू? ये बुढ़ो तुझे मार डालेगा। खेलूंगा, लेकिन पैसा बढ़ाना पड़ेगा। कितना चाहिए? 1 ग्लास का 75,000। 4 ग्लास पीऊंगा, लेकिन अगर बीच में मुझे कुछ हो गया तो पहले का पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, मंजूर है। पहले इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। केवल साहब, इन्हें 75,000 रुपए दीजिए। अब शुरू कीजिए। बहुत दिलेर हैं, अब मेरी चाल है। माफ कीजिए, मैं भी बच गया। जीवन साहब, इन्हें 75,000 दीजिए। यस बॉस, ये लीजिए दूसरे 75,000, ये लीजिए पूरे। अब 6 ग्लास बाकी हैं, 3 आपके 3 मेरे। शुरू कीजिए। ये 1.5 लाख रुपए, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये नवजीवन हॉस्पिटल में पहुंचाना। डॉक्टर आरती होंगी बोलते, कमरा नंबर 12 तरुण से कमरे में, उसे कहना मैंने पूरी कोशिश की। मनोहर, तुझे 1.5 लाख रुपए मिल गए, अब छोड़ दे रमत। भी समय है, छोड़ दे ये गेम, छोड़ दे। 1.5 लाख तो मिल गए हैं। नहीं, 1.5 लाख और बनाने। बहुत अच्छी, लगता है आपकी किस्मत पलटी खा रही है। मेरी भी शायद पलटी खा रही है। शराब का अपना मजा है। 75,000 दीजिए। अब टेबल पर सिर्फ 4 ग्लास हैं, 2 तुम्हारे 2 मेरे। यशवंत, मेरी हालत बहुत खराब है यार, लेकिन क्या करूं, 1.5 लाख और बना दे। मनोहर, 1.5 लाख तुम ऑलरेडी कमा चुके हो, 1.5 लाख कहीं और से आ जाएंगे। अरे दोस्त लोग दे देंगे, छोड़ दो ये गेम, छोड़ दो। चाल चलिए जनाब, मौत हमारा इंतजार कर रही है। तुम लोग गिद्धों की तरह ये क्या तमाशा देख रहे हो? यहाँ यहाँ मनोहर के जान की बाजी लगी हुई है और तुम लोग कुछ मदद नहीं करते। पेशावर, अभी अभी तुम 25,000 कमाए थे, दे दो उसको। अरे भाई, फिर शुरू कीजिए, चलिए आपकी चाल है। चाल तो चलनी पड़ेगी, तो कोई चारा ही नहीं है।
रहने दे मनोहर, रहने दे। मेरा मन कहता है रहने दे, ये गेम मत खेल। अब तो ये खेलना ही पड़ेगा। मुझे मुझे तरुण की जान बहुत प्यारी है यशवंत। किसी की मानता ही नहीं है। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। क्या पागलपन है, कौन सा जहर पी रहे हैं? लेकिन वो बूढ़ा बोलता था कि कुछ ही पलों में सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, गला सूख जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है और 4-5 मिनट में तो आदमी खत्म हो जाता है। 4-5 मिनट में? ठीक है, मैं अभी दवाइयां वगैरह लेकर पहुंचती हूं। बहुत तेज चलाओ शर्मा। तीसरी बार भी निकल गया, पर चढ़ रही है। जाने भी दो दोस्त, 2,25,000 तो जीत चुके हो, शायद पूरे के पूरे 3 लाख जीत जाओ। अब मैं भी कर देता हूँ। रुक जाओ दोस्त, आज तक नहीं बोला लेकिन आज कहता हूँ यहीं रुक जाओ। युवन, आज पहली बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं ना जहां सिर्फ 3 ग्लास बचे हैं। मैंने जो कहा था याद है? ऐसा मत कहो दोस्त। मैंने जो कहा था याद है ना? अगर मैं मर गया तो मेरी राख हेलीकॉप्टर से इस शहर के सारे जुए खानों पे उड़ा देना, फेंक देना। मत पियो। और तेज चला, हम अब बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। हम जिंदगी के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। टेबल पर 2 ग्लासेस हैं। एक में आपकी जिंदगी है, आपके बेटे की जिंदगी है और बेशुमार दौलत। दूसरे ग्लास में बोलिए कौन सा ग्लास उठाइए। ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। यही तो मजा है, यही तो नशा है। मौत चारों तरफ मंडरा रही है। पता नहीं किस तरह से बात करेगी, पता नहीं किस तरह से बात करेगी। चलिए चाल, चलिए चाल। नहीं, अभी रिस्क मत ले, अभी समय है। छोड़ दे मनोहर, जाने दे मुझे। नहीं, शायद यही अच्छा वाला ग्लास हो। आपको पूरे 3 के 3 लाख मिल जाएंगे, आपके बेटे की जान बच जाएगी। चलिए पियो। कृपया ध्यान दीजिए, इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 10:81 कुछ ही देर में हवाई अड्डे पर पहुंचने वाली है। विमान में सवार यात्री मिस्टर वाटर्स एयरपोर्ट लाउंज में मिस्टर मनोहर से मिलना चाहेंगे। मिस्टर मनोहर प्लीज लाउंज एग्जिट के पास मिस्टर वाटर्स का वेट करें। चलिए आपकी मुश्किल हम आसान करते हैं। वो कैसे? पहला ग्लास मैं उठाऊंगा, पर एक शर्त। अगर पहला ग्लास मैंने उठाया और पिया और मैं नहीं मरा तो दूसरा ग्लास आपको उठाना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि उसमें जहर है। ये भी कोई शर्त है? आप इसे मार डालना चाहते हैं? चुप करो, पहला ग्लास तो मैं उठा रहा हूं ना।
शर्त मंजूर है या पहला ग्लास आप उठाएंगे? तो ठीक है, पहला ग्लास मैं उठाता हूं, पर शर्त याद है ना? अगर मैं जिंदा बच गया तो दूसरा ग्लास उठाकर तुम्हें पीना पड़ेगा, ये जानते हुए कि उसमें जहर है। मंजूर है? मिस्टर मनोहर, जहां कहीं भी हो, लॉन्ज एग्जिट के पास मिस्टर वाटर्स का वेट करिए। योर अटेंशन प्लीज। आपके बहादुरी की कदर करता हूं और अपने तरफ से एक वादा करता हूं, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाऊंगा। इतना ही नहीं, अपनी सारी जायदाद का उसे वारिस बना दूंगा। तो मैं फिर बच गया। अब दूसरा ग्लास आपको पीना पड़ेगा। मौत मेरे सामने, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिंदगी में हमेशा हारता आया हूं, आज भी यूं ही से यशवंत भूलना नहीं। नवजीवन हॉस्पिटल, रूम नंबर 12। तरुण को बोल देना। नहीं मनोहर, नहीं। छोड़ दो जश्वन, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा, लेकिन आप भी वादा याद रखिए। नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त, आज से मेरा बेटा आपके हवाले। क्या दिया है तुमने इसे? ये है वो आदमी। ये कहीं के मैं तुम्हें जेल भेजाऊंगी। क्या दिया तुमने इसे? तुम्हारे डैमेज हेल्थ से हमें इसके पेट में जहर निकाल रहा है। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। अर्ज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, इसे मदद की जरूरत नहीं है। कैसे खूनी दरिंदों की तरह हंस रहा है बदतमीज। अरे नहीं, मैंने पिया है, मौत मेरे हिस्से में आई है। मरने का वक्त नहीं आया है, मेरे मरने का वक्त तो बहुत पहले आ गया था। कैंसर, गैलपिंग कैंसर। तेरे जैसे दिलेर खिलाड़ी के साथ जो खेलने बड़ा बड़ा फख्र है मुझे। मिस्टर मनोहर, अब इनकी कोई मदद नहीं हो सकती। हमें फौरन एयरपोर्ट जाना चाहिए। मिस्टर वाटर्स वैन लेकर आने वाले हैं। तुम्हारे जैसा जुआरी मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना देखूंगा। शांति से जाओ मेरे दोस्त। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।